तो दोस्तों बात करें अगर सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के बारे में, तो दोस्तों विकास बहल के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म सुपर 30 को आज वर्ल्ड वाइड मार्केट में रिलीज हुए हो चुके हैं 15 दिन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म ने आज से अपने 3रे हफ्ते में दस्तक दे दी है। तो दोस्तों फिल्म ने जिस तरह से पहले हफ्ते में शानदार कलेक्शन किया था, उसी तरह फिल्म ने 2रे हफ्ते में भी अपनी स्पीड बनाई रखी और फिल्म ने 2रे हफ्ते में भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किए। अगर बात करें 3रे हफ्ते की, तो दोस्तों 3रे हफ्ते में सुपर 30 को रिलीज होते ही 2 बड़ी फिल्मों का कंपटीशन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज से बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या रिलीज हो चुकी है, साथ ही साथ दिलजीत दोसांझ की अर्जुन पटियाला भी रिलीज हो गई है, जिसकी वजह से दोस्तों सुपर 30 की जो स्क्रीन काउंट है वो जहाँ पहले थी 3000, उससे घटकर अब हो चुकी है 1400। लेकिन दोस्तों 1400 स्क्रीन में भी सुपर 30 बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कारोबार कर रही है। अगर बात करें सुपर 30 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी यानी कि अपने पहले दिन कलेक्शन किया था 11,83,00,000 रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने अपने वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया था। बात करें फर्स्ट वीक कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन किया था 75,85,00,000 रुपए का। वही अगर बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 37,83,00,000 रुपए का। वही अगर बात करें हम तीसरे हफ्ते के फर्स्ट शुक्रवार की, तो दोस्तों ये फिल्म तीसरे हफ्ते के पहले शुक्रवार यानी 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 15 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है वो हो रहा है 115,68,00,000 रुपए। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का 15 दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 135 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 165 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है और अगर आपने ये फिल्म अभी तक भी नहीं देखी तो प्लीज़ और ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए और इस फिल्म को अभी थिएटर में देख के आइए। ये फिल्म इस साल की अब तक की बेस्ट फिल्म है और अगर आपने ये फिल्म देख के आ गए हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।